यहाँ आते हैं और ये ठीक है, ये हमने देखा था, मैंने नाम ऐड किया, यहाँ पर क्या हो गया, ये चीज ऐड हो गई, वो नाम यहाँ पर क्या आ गया, ऐड हो गया। देखो बिलाल, असद, शायान, अली, रिजवान, ये नाम लिखे हुए होंगे, असद, शायान, अली, रिजवान, ये वाला नाम अभी ऐड हो गया खुद शायान। ठीक है, पुश पर अगर रिमूव्ड हो गया, ठीक है। अब यही चीज अगर अनशिफ्ट दबा तो क्या होगा, अनशिफ्ट पे एक और नाम पूछेगा दोबारा। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ बिल्कुल उस्मान, उस्मान का स्टार्ट, तो ये कौन सा मेथड है, अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट में एक नई चीज ऐड करता है, पुश क्या करता है, एंड में एक चीज ऐड करता है, वो एक एलिमेंट रिमूव कर देता है। जैसे पॉप दबाऊ, देखो रिजवान डिलीट हो गया, दबाऊ अली डिलीट हो गया, ठीक है। अनशिफ्ट क्या, शिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट एलिमेंट डिलीट करता है, देखो उस्मान डिलीट करता है, ठीक है, बात समझ आ गई। यही चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी, अब हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये हमने देख लिया था सॉर्ट 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 यहां तक ऐसे। अब ये कोई भी वैल्यू हो अंदर क्या कर सकते हो, ऐड करवा सकते हो। बिल्कुल अगर मैं यहां लिख दूं, अगर ये दिया हुआ एरे वेरे ना, इसके बजाय मैं कर दूं एक ऑब्जेक्ट और सबको हटा देता हूं, सिर्फ एक एलिमेंट रखता हूं पुश वाला, चलो ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एरे में पुश हो रहा है क्या, यूजर से वैल्यू लेके। अभी मैं ये हटा देता हूं, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं सीधा सीधा, और यहां दे देता हूं क्या, बिलाल, ठीक है, नेम बिलाल कॉमा, और कर देता हूं भाई प्रोफेशन दे देता हूँ, और बाय प्रोफेशन दे देता हूँ यहाँ टीचर, खत्म। बस दो चीजें काफी, हमने ये देखा ऐड किया। अब मैं यहाँ और यहाँ आने के बाद पुश में क्लिक करता हूँ, क्या इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, ये देखो, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकता है। अब मैं इसके अंदर कोई भी चीज ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ खाली 10, और कहाँ गया, शिफ्ट पर क्लिक कर दिया पुश 10, ये 10 कौन सा नंबर आया है, कौन सा 10 आया, नंबर है, ये नंबर इसके अंदर क्या नहीं ऐड हुआ, स्ट्रिंग नहीं ऐड हुआ, नंबर ऐड हुआ है। अगर इसके अंदर लिखता इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करके, तो अब स्ट्रिंग वाला ऐड बेटा, बात समझ आई है यहाँ तक, हाँ बाबर, ये बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल से दो मेथड हैं, ये रहा एरे, और सो कुछ भी नहीं करता भाई, ये रहा इस एलिमेंट को आप ऐसे रख दो, अगर कोई कंसोल पे इसको डायरेक्ट प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग क्लिक किए ARR, इसको सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये देखो अली, असद, बिलाल, रिजवान, शायान, हालांकि बिलाल पहले लिखा है, इसने क्या कर दिया, हाँ ना, हाँ सो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके दे रहा है, पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, जितने हैं वो, तो जो भी मिल रहा है बोलो, उसने क्या कर दिया, अली, असद, और अली, अली को पहले दिखाया क्यों, क्योंकि अली के अंदर जो ए के बाद वर्ड है एल है, और यहाँ पर क्या है एस, तो ये पूरा सॉर्टिंग का मेथड ये अप्लाई कर रहा है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैंने जस्ट आप लोगों के लिए ये क्या कर दिया है, रिविजन दे दिया एक छोटा सा। अभी हमने ये देखा कि इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट भी क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ। अच्छा, एरे के अंदर एक और एरे भी पुश हो सकता है, एरे के अंदर क्या हो सकता है, एक और एरे पुश हो सकता है। बिलफर्ज, अगर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, अगर मैं ऐसे करूँ, पहले ये समझते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यूजर, लेट यूजर बराबर है, ठीक है, और यूजर में मुख्तलिफ चीजें ले लेता हूं। अरे यार, ये जो है ना, अब यहां जो यूजर, दो चार ले लेता हूं, एक ले लेता हूं नेम, और नेम को मैं प्रॉम्प्ट के जरिए भी ले लेता हूं, एंटर योर नेम, ठीक है, नेम, एक ये नेम आ जाएगा एंटर, द नेक्स्ट फादर नेम, एफ नेम, ठीक है,
क्या कहाँ पर बेटा? और सॉरी यहाँ कॉमा आएगा, सेमी कॉलन वो मुझे आदत है लाइन के एंड पे लिखने की आदत हो गई, और यहाँ आ जाएगा एज 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 प्रॉम्प्ट। पर एक काम करते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, चलो खैर इसको अभी फिलहाल नहीं बढ़ाता मैं, ठीक है। इंटर योर एज, अब एज आपको पता है इसको आप कन्वर्ट करके लेना चाहो तो किसके थ्रू ले सकते हो, इसमें पास क्या कर दो, पास इंटीजर, ठीक है, पास इंटीजर वाला मेथड लगाओगे इसको। फिलहाल हम यहाँ रोकते हैं। अच्छा कहाँ गया, मैंने किस पे लगाया पहले, ये क्या कर रहा था मैं भूल गया, एक यूजर लिया, यूजर ने चीजें स्टोर करा, अब इस यूजर यूजर को पुश एरे में क्या होगा, यूजर हो जाएगा। अब जैसे ही क्लिक करूंगा पहले यूजर की वैल्यू मांगेगा, पुश यूर नेम, नाम लिख देता हूं, ठीक है, और फादर नेम अब पूछ रहे, मैंने तो पूरा नाम दे दिया। लेट कॉपी पेस्ट इट हियर, पुश एज, एज कितनी है, 18 साल है पागल, 20 साल। लेट्स चेक द एरे, हो गया बात समझ आई, क्लियर हुई। इस तरह ये करते हैं, हाँ भाई खाली कर दिया, आप यूजर से प्रिंट कराओ, पुश एक बंदा आया बिलाल, उसने ओके किया और ओके किया और एज 20 कर दी, चलो 2 साल तुम लोगों के लिए ज्यादा लिख दिया अपने। अब इसके अंदर एक यूजर आ गया, कौन आ गया, एक यूजर आ गया, एरे की लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना, फिर उतनी इनपुट लेगा, तो जब जब फेसबुक में दरा किसी भी जगह तो उस ऑब्जेक्ट में ये फिलाना एज, बात समझ आ रही है, क्लियर समझ आई, प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करते हो ना, प्रोफाइल, अच्छा ये सारा उसके थ्रू कर लेंगे, इनपुट फील्ड बना लेंगे, नाम दो अपना, नेम दो और क्या नाम है फर्स्ट नेम, उसके बाद ले लेंगे भाई एज दे दो, उसके बाद अपनी फोटो दे दो, तो सब इनपुट के अंदर बनाओ, पिक्चर लगाएंगे, ओके करेंगे, हमारी पिक्चर आ जाएगी, उसके साथ नाम आ जाएगा, सब करेंगे, लेकिन पूरा डॉम है पूरा, तो इतना बड़ा जो डॉम का में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो हम सीखने को मिलेंगी, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है बेटा, ये बात समझ आ गई। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ, तो इसमें चाहे जितने ऑब्जेक्ट, अब अगर ज्यादा मैं लूप चला लू, ये जो मैं यहाँ पुश करने पर क्लिक करने पर चल रहा है, कितने यूजर एंटर करने, प्रॉम क्या करेगा यूजर से, जी क्या हुआ, क्या कह रहे, जनरेटर नहीं चला, चलो चल रहा है ना गुजारा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर जैसे मैंने नेम दिया, ये इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप इसको लूप के थ्रू करोगे, ठीक है, लूप के थ्रू कैसे मैं बता देता हूं, यहां पर वो आएगा और पूछेगा भाई क्या चीज चाहिए पहले, ठीक है, मतलब क्या चीज ऐड करनी है आपने, आप वन टाइम जैसे क्लिक करोगे, अब ये काम लूप पे होगा, ये आपका एक असाइनमेंट है, हैंड टू हैंड अभी अपलोड कर दूंगा मैं, यूजर जैसे ही क्लिक करे बटन पर, ठीक है, मैं ये चीज बना दूंगा पुश और पॉप, है ना, क्या ऐड यूजर का ऑप्शन, एक बटन दे देना, ऐड यूजर पे जैसे ही क्लिक करूं मैं तो वो मुझसे पूछे पहले कितने यूजर आपने रजिस्टर करने, हाउ मेनी यूजर यू वॉन्ट टू रजिस्टर, मैं लिखू 3 हो गए, एंटर करूं, अब पहले पूछे यूजर का नाम, फर्स्ट नेम पूछा मैंने नाम बता दिया, फिर सेकंड पूछा सेकंड का नाम बता, फिर थर्ड नाम पूछा फर्स्ट का नाम, फिर फर्स्ट का फादर नेम और एज पूछ ली, 3 चीजें आप बता देना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और
पेज हो गया, ओके करूं, दोबारा प्रॉम्प्ट दे यूजर नेम। अब कितनी दफा देगा यही काम? तीन दफा देगा, अगर चार एंटर करूं तो चार दफा। अब ये आपने लूप पढ़ा हुआ है, आपने इसको लूप के अंदर ऐड करना है। देखो यहां पर चलेगा लूप, इसके अंदर क्लिक करने पर लूप चलेगा। अब ये कैसे चलेगा वो कैसे लगेगा ये आपने सोचना है, ठीक है? यही तो सोचने वाला गेम है। अब मैंने इतना बता दिया लूप यहाँ लगेगा, अब ये भी बता लूप के अंदर लगेगा बाहर लगेगा, फिर वो भी बता दो वैल्यू कहाँ लगेगी। और एरे नल रहेगा, एरे क्या रहेगा? नल रहेगा। भाई जनरेटर क्यों नहीं चलाया आपने? हाँ यार पेट्रोल तो महंगा है, बाकी बहुत महंगा है, आप लोग निकल नहीं रहे तो फिर तो महंगा ही होगा। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाते हैं, हम सेव किया इसको मैंने, यहाँ आया और ये चीज तो देख ली। अब अगले उस पर चलते हैं, आगे पॉप हो गया, शिफ्ट हो गया। कॉन्केट का मेथड, कॉन्केट क्या करता है मुझे बता दो। हाँ दो या तीन एरे जितने आप कॉन्केटिनेट करना चाहो उतनों को क्या कर देगा? कॉन्केटिनेट करके दे देगा आपको सिंपली। मैं इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट, अभी इनको हटा दो भाई। क्या नहीं 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 कॉन्केट का मतलब है एक एरे पड़ा हुआ है, दूसरा एरे आपके पास है, आप दूसरे एरे को ऐड करवा दो बस। सिंपल एक एरे बता दिया मैंने, मेथड ये रहे, कंसोल को हटा दो, सीधे सीधे ये रहे। हाँ ये ठीक है, इसको भी हटाओ, सीधा मेथड सिर्फ यहाँ पर है। ठीक अब आगे चलते हैं, अगले मेथड देखते हैं हम ARR के, कॉन्केटिनेट मेथड। यहाँ है कॉन्केटिनेट, मैं कर देता हूँ लेट, और यार नाम भी ऐड कर दो, एक में खाली नाम है बिलाल, ठीक है, और एक और ले लेते हैं हम यूजर, ठीक है, लेट ARR 2 जो के बराबर है। अब यहां पर जो मैं एरे ले रहा हूं, एक एरे आ गया ये, और दूसरा एरे ले लेता बाबर, ठीक, ये दो हो गए मेरे पास एरे। अब इनको मैं करवाता हूं कॉन्केटिनेट, मैं कर देता हूं लेट और एमआरजी मर्ज कर देता हूं, मर्ज बराबर है ए आर कॉन्केटिनेट, कॉन्केट कर दो इसके अंदर क्या, ये जो दूसरा एरे है ARR। अब ये देखो एक मेथड दे रहा है, अब मैंने ARR2 मैंने ऐड किया, कंसोल कंफर्म नहीं भाई, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एमआरजी को प्रिंट कर देता हूं, रिजल्ट देख लेता हूं। आगे दोनों दोनों नाम कॉन्केटिनेट हो गए, क्या हो गए? कॉन्केटिनेट। अच्छा ये काम ऐसे किया, ये पुश से हो सकता था, पुश वाले से भी हो सकता था। अब देखो यहां पर ये रहा ना, ये जैसे ये रहा और यहां है बाबर और कौन कौन है भाई क्लास में, असद और कौन है भाई, हुज़ैफ़ा, वैफा और एक बच्चे का नाम जो कभी लिखा ही नहीं, आज लिखता हूं, अभी याद हुआ है मुझे, पहले याद नहीं था। हाँ भाई क्या कॉन्केटिनेट हो, सिर्फ ये एरे टू से बेटा यादव बात समझो, ये काम किस और से हो सकता था? हाँ एक भी दोनों नहीं ले सकते, यानी कि ये मसला है। अब यही चीज समझाना चाह रहा हूं, ये एरे की वैल्यू है ऊपर वाले भी एरे, हम खुद यूजर को डेटा लिखा अलग एरे से आ रहा है, ये वाला यूजर का डेटा किसी अलग एरे से आ रहा है, हम तो दे ही नहीं रहे सिस्टम। अब उन दो एरे बनाना है, अब कैसे करूं सर? ये CMS में जो काम हुआ वो होता है स्टूडेंट टीचर पे जो पोर्टल बना, हाँ वो वाला काम है, स्टूडेंट और टीचर का पोर्टल बना हुआ होता है, स्टूडेंट और टीचर भी एक्सेस कर सकता है, स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकता है। नहीं नहीं वो तो एक्सेसिबिलिटी है ना, वो तो जाहिर सी बात है, एक ही पोर्टल एक ही पढ़ा उसको सबके लिए एक्सेस दिया हुआ है कि टीचर एक्सेस करे तो ये डैशबोर्ड दिखे, कंडीशन लगी हुई है कि अगर ये कंडीशन वाला जिन्होंने ये मार्क किए हुए मतलब एज अ टीचर साइन है उनको ये डैशबोर्ड दिखेगा, और जो एज अ स्टूडेंट है उनको ये डैशबोर्ड दिखेगा। फैकल्टी मेंबर और टीचर्स का जो होता है हाँ वो
नहीं नहीं इसका इस वाले का काम सिर्फ ये है कि दो उनका दिखा देगा बस, दो का क्या करेगा डेटा मर्ज करेगा, मतलब ये कि यहां पर कोई डेटा लिखा हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी डेटा मौजूद है, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है, एक ही साथ मिलाना है। देखो जैसे अभी तक डेटा सिंगल डेटा एरे यूज ही तब करते हैं जब एक जैसा ढेर सारा डेटा हो, अब ये अब तक हमने पुश करना क्या देखा, पुश में अगर पुश करना पड़ता असद अलग से पुश करता, ये अलग से, ये अलग से, ये तरीका करता, ये फिर होता है ना, यही तरीका था। फिर मैंने ये दोनों एरे मिल गए, ऐसे 50 एरे हो तो यहाँ कॉमा लगा के एरे 3 ऐड कर दो, एरे 4, एरे 5, एरे 6, जितने होंगे उतने एरे क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, कॉमा और यहाँ कॉमा लगा के कर देते हैं ARR 3, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और एक मिनट, ठीक है भाई, तो मेरे पास एरे दोबारा से ऐड हो गया। नहीं 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 देखो वो एक्सेसिबिलिटी अलग चीज है, ये जस्ट इतना ऐड करना है, हाँ अरे मसला ये डेटाबेस एक है, जब भी कोई ऐड करेगा वो एक ही डेटा एक ही जगह ऐड होगा, इसका काम ऐसे है, मतलब आप लॉग इन करते हो किसी एक फॉर्म पे, ठीक है, अब अपलोड की एक जगह से, कोई चीज अपलोड की एक जगह से, अब क्या एक पिक्चर्स का डेटा है आपके पास, जैसे फेसबुक में ले लो फोटोज का डेटा है आपके पास, ठीक है, दूसरी तरफ वीडियोस का डेटा है, लेकिन ये सब पोस्ट है, वीडियोस भी फोटोज भी पोस्ट में ऐड करोगे, जब या पिक्चर अपलोड करते हो या तो पिक्चर देखो प्रोफाइल और नॉर्मल जो पोस्ट आप करते हो वो फोटो वीडियो ये सब फोटोज में प्रोफाइल का, ठीक है, ये है आप ले लो कवर, ठीक है, और ये पर क्या, और कवर का भी यही होता है एरे, उसकी वजह है कि कवर फोटो आप एक टाइम में लगाते हो लेकिन आप चेंज भी कर दो तो एट द एंड नीचे भी है कि लगाई थी और एक दफा चेंज किया कोई आपकी वजह उस पर टाइमलाइन पर तो वो चेक करेगा नीचे आके तो उसको नजर ये डीपी थी, क्यों, क्योंकि ये डेटा यहां पे स्टोर है, अब ये इसका डेटा तो अब पोस्ट के अंदर इसका डेटा ऐड हो जाता है, और जो मैं यहां से फेंक रहा हूं ये यहां से फेंक रहा हूं ये सब सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, एक फॉर्म फिल किया ये भी गया ये भी गया वो हो रहा है के अंदर, वो आपका एक ही फेसबुक मेरा मेरे यहां भी अपलोड ऑन हुआ, मेरा यही फेसबुक मेरे लैपटॉप में भी ऑन है कंप्यूटर में भी, मैं करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपलोड इसी एक ही एरे में होगा यही ऐड होगा, ये समझ आया, सिस्टम में भी क्या सिस्टम सब कनेक्टेड एक ही जगह से, जब एरे पुश करते हैं डेटा तो वो एक ही जगह जाता है, लेकिन ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं मत जिनको जरूरत पड़ती है मिला करने के लिए, जब प्रोफाइल लेकिन है ये पोस्ट ही है तो इस पोस्ट में शुमार किया जाएगा, वीडियो यूट्यूब में अलग अलग कैटेगरीज बनी होती है बनाते हो लेकिन है टोटल वीडियो तो एक है वीडियोस का है, लेकिन मेजर करते हो तो अलग अलग एरे बन जाते हैं, आपने बिल्कुल मैथ का सेक्शन बनाया मैथ का एरे बन गया इसका एरे बन गया इसका, लेकिन है तो मेजर जो फॉर्मूला क्या वीडियो तभी तो प्रोफाइल फोटो के अंदर जो नॉर्म डेटा वो दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देते हैं, बात समझ आई, अब क्लियर हुई, तो ये हमारे पास डेटा का सिस्टम चल रहा होता है। अच्छा ये मैंने अच्छा ये तो नाम मैंने सॉरी ऐसे दिया हुआ है, यहां आ जाता हूं
सेव करता हूँ और ये मुझे देखने को मिल गया भाई, ये वाली सेम चीज आ रही है। और इधर नाम मैंने चेंज करने है भाई, दो नाम और कोई बता दो, नाम ही नहीं आ रहे मुझे बच्चों के भाई। शाह शाहदेव तुम कौन हो? जवाब तो शाहदेव कौन है? शाहजहान। ठीक है बस, परफेक्ट, ठीक हो गया, ये डेटा हमारे पास आ गया, क्लियर है। ये पुश वाले मेथड से कर सकता था, पुश बताओ, पुश करना पड़ता है इसको 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 इसको, नहीं एक काम करना पड़ता, हटाओ, मैं सिर्फ लिखता यहां पे किसको प्रिंट कराता, ए आर आर को, एरे को प्रिंट करा, पुश कर दो क्या ए आर आर टू, नीचे आ ए आर आर, पुश कर दो क्या ए आर आर थ्री। चलो ये देख लेते हैं क्या तक ओके, अब ये पुश हो गया, कंसोल पे प्रिंट कराते हैं, अब जरा देखते हैं क्या होता है। डेट क्या है कोई इसके अंदर क्या, जैसे पहले वाले नाम फर्स्ट में बिला तो आ गया बिला, फिर इसमें क्या ये वाला एरे प्रिंट हो रहा है कॉमा, फिर दूसरा एरे हो रहा है, ये दो एरे हो रहे हैं, समझ आ गई बात। अब इस चीज से बचने के लिए उस चीज को समझते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं किसी एरे तो उसके आप तीन डॉट लगा दो, क्या लगा तीन डॉट बिला, लेकिन इस पर तीन डॉट एरे का डब्बा बना हुआ आएगा, ठीक है, आपके साथ एरे है देखो जवाब और शाहजहां इस तरह बॉक्स, अगर इसके थ्री डॉट अब ये इजली पुश हो जाएंगे, तो भी ओके है, कॉन्केटिनेट करो तब भी ओके, लेकिन की साथ बन जाए तो क्या लगा शुरू में थ्री डॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन है, वो कहता है इसमें कह रहे पुश करो लोग जा तो उस वक्त समझ नहीं आती, ये थ्री डॉट्स लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसको बोलते हैं एरे एक्सटेंडेड मेथड, क्या हाँ एक्सटेंडेड मेथड, एरे को एक्सटेंड एक्सटेंडेड मेथड कहलाता है ये। अच्छा अब इसके अंदर मैं आता हूं यहां पर, और मुझे एग्जैक्ट याद उसके अंदर तीन वैल्यू एक साथ होती है, यानी सेकंड लेता है ना, मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने एक उसमें किया नहीं, हो गया ठीक है सेफ, वन लाइन के अंदर भी ये इजिली पुश हो जाता है, तो एरे हमने सिंपली ऐसे भी पुश करवा दिया, तो वन लाइन के अंदर एरे पुश हो गया बेटा, यार क्लियर है बात, समझ आ गई। हमने कॉन्केटिनेट मेथड भी देख लिया, इजी सा मेथड है, कॉन्केटिनेट का मेथड हमने कहां पर भी देखा था, स्ट्रिंग में भी देखा था, स्ट्रिंग में करते हैं वहां पर एक चीज चल जाती है, वो क्या करती है उस चीज को ऐड करने का काम कर रही होती है। चलो आगे चलते हैं, मेथड स्प्लाइस का मेथड एक काफी है, आप सब बैठे सिस्टम पर और जो मैंने आपको टास्क दिया वो करो, ठीक है, ये से रिपीट कर लेना, सबसे ज्यादा होने वाले मेथड ये है, इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कुछ मेथड बताऊंगा वो बहुत ज्यादा यूज होते, बहुत मतलब तो कुछ है ही नहीं, पूरी वो चीजों के इर्द-गिर्द होंगे, तो आप असाइनमेंट भी अपलोड करता हूं, आप लोग बैठे सब मिलकर दो दो तीन तीन बंदे बेशक सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या क्वेश्चन दिया है मैंने करो तीन या चार यूजर एंटर करना चाहते हो, मैं लिखो पांच वही
तीन इनपुट ले, नाम भी पांच, एज भी पांच बार भी है, पांच बार तब भी मर्जी है, या फर्स्ट वाले में पूरा ले ले उसका नाम की एज और सारी चीज, फिर सेकंड वाले के लिए, फिर थर्ड वाले के लिए, फिर फोर्थ वाले के लिए, ठीक है भाई, क्लियर। जीरो से, बस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, आपका असाइनमेंट अपलोड करता हूँ, ठीक है, आपने ये चीज बनानी है। चलो असाइनमेंट में अपलोड कर दूं आपका सिस्टम, ये चलवाता हूँ वरना जरूरत नहीं है, मैं लैपटॉप में क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। ये जनरेटर मैंने इनको खास कहा बोला, इसीलिए उन्होंने पेट्रोल लाके रखा है, ये जनरेटर चलाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। मैंने आगे कहा था भाई बच्चों की क्लास करे, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो बेटा प्रैक्टिस करें इस चीज की। जावा स्क्रिप्ट के असाइनमेंट है, डब्ल्यू फाइव पे आता हूँ, जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट नंबर, जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट नंबर, तो यहां आते हैं जावा स्क्रिप्ट नंबर 11, बेटा असाइनमेंट नंबर 11 है, प्रोग्राम सर, अरे मैम the index the length are chalo bhaiya last date hai theek hai ये आपने करना है। चलो भाई क्या हुआ, एक मिनट अभी हम देख लेते हैं भाई, हो गए असाइनमेंट